कल रात से सोशल मीडिया पर मुरादाबाद का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पुलिसकर्मी जो है एक व्यक्ति के साथ मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और घटना पता करने पर पता चल रहा है कि वो मास्क नहीं लगाया हुआ था इसलिए उसकी इतनी निर्मम पिटाई की गई। उस घटना में सबसे शर्मनाक जो पहलू है वो ये है कि वो व्यक्ति जब छुड़ा करके भागता है और किसी एक घर में घुस जाता है तो पीछे से पुलिस वाले पहुंचते हैं और जो औरतें खड़ी रहती हैं उनकी जिस तरह से बदतमीजी के साथ उनके साथ व्यवहार करते हैं, उनकी पिटाई करते हैं, ये बहुत शर्मनाक है। सीसीटीवी फुटेज जब मेरे पास आया, मैंने उसको देखा, जब मैं ट्विटर पे टैग करके मैंने मुरादाबाद पुलिस और उस पर यह कहा कि इन पुलिस वालों पर कार्रवाई कब होगी, तो उधर से जवाब भी आता है कि जो है उसके खिलाफ, उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने मास्क नहीं लगाया था, उसने पुलिस से बदतमीजी की, तो उसके खिलाफ मुकदमा कायम हो गया। इस मामले की विवेचना की जा रही है। मैं पुलिस के आला अधिकारियों से कहना चाहता हूं कि मामला बहुत शर्मनाक है। मास्क न लगाने पर गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर है कि आप 1000 रुपए का चालान काटिए, लेकिन जिस तरह से उस व्यक्ति की भी पिटाई की गई, उसके कपड़े फाड़े गए, ये बहुत शर्मनाक है। आप चालान करिए, आपको मारने का हक किसने दिया? आप 1000 का चालान करिए, अगर उसने दूसरी बार मास्क न लगाया हो तो आप 10000 का चालान करिए। वो व्यक्ति चालान नहीं जमा कर पाएगा तो मैं उसकी तरफ से चालान जमा करूंगा, लेकिन पिटाई करना कहां तक जायज है? रमजान के महीने में घर में घुस के औरतों को मारना और फिर उल्टे उस पुलिस वाले अधिकारी पर कोई कार्रवाई न करना, यह बहुत शर्मनाक है। मैं मुरादाबाद के उच्च अधिकारियों से गुजारिश करता हूं कि उस दरोगा के खिलाफ कार्रवाई के लिए जिस तरह इस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा कायम किया गया, जो एक आम नागरिक है, अगर उसने मास्क नहीं लगाया तो मुकदमा भी कायम होगा, सारी उसकी पिटाई भी होगी, लेकिन जिस पुलिस वाले ने बदतमीजी करी और एक महिला की पिटाई करी, यहां सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास और नारियों की सुरक्षा, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, और उसके बाद आप महिलाओं को घुस करके घर में पिटाई करते हैं, बहुत शर्मनाक है। आप इसके खिलाफ कार्रवाई करिए, उस अधिकारी के खिलाफ। और मैं मुरादाबाद के जनप्रतिनिधियों से भी कहता हूं कि घर में मत बैठे रहिए, ऐसे मुद्दों पर बोलिए, पुलिस के आला अधिकारियों से बात करिए, उसके खिलाफ कार्रवाई करवाइए और जल्द से जल्द उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये पूरा वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है और सीसीटीवी के फुटेज मौजूद है, कोई और सबूत की जरूरत नहीं।